ओलंपिक से बाहर हो गई हैं भारत की बेटी विनेश फोगाट, जिनसे आज गोल्ड पर दाव की पूरी उम्मीद थी। मेडल के बहाने पर पहुंचकर अयोग्य घोषित किया गया है विनेश फोगाट को। और इसी पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बयान आया है। संजय सिंह जो अध्यक्ष हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, वो कह रहे हैं कि देख रहे हैं पूरे मामले को। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। और उसके बाद पता चला कि उनका वेट ओवरवेट है और वो डिस्क्वालीफाई होगी और भारत का मेडल जो हाथ में आया था एक तरह से छिन गया। ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि इतनी बढ़िया कुश्ती लड़के वो फाइनल में पहुंची और उसके बाद उनका वजन मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सर ये होता कैसे है? मतलब पहले वजन चेक होता है कॉम्पिटिशन से, एक दिन पहले वजन चेक होता है, हम सबको पता है, फिर उसके बाद आप कॉम्पिटिशन में खेलते हैं, फिर उसके बाद उनका ओवरवेट ये कैसे निकला? अब उनका ओवरवेट विनेश का अपना, उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे, एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। सर WFI कोई प्रोटेस्ट करेगा उस पे, कोई डालेगा कुछ, अपनी अर्जी डालेगा कुछ करने चाहेगा, क्योंकि आज वो फाइनल खेलने वाली थी, गोल्ड भी ले आती है, सिल्वर तो पक्का ही था। बिल्कुल, तो WFI अभी अपना लीगल वो देख रहा है और पीटी उषा मैडम अभी विलेज में पहुंच गई हैं। हम लोग आपस में बात करके कि IOC को कैसे क्या किया जाए, UWW को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है, उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसको। बिल्कुल सर, यहाँ पर आपने जैसे बताया आप लीगल एक्शन लेंगे और लीगल प्रोसीजर फॉलो करेंगे क्या करना है, लेकिन क्या इन सब के लिए हमारे पास पूरा वक्त है, क्योंकि आज ही शाम को मैच है, सब जानते हैं। वक्त तो कम है थोड़ा, लेकिन उसके लिए हम लोग करेंगे, करना भी है, बिना किए तो मानेंगे नहीं, उसको करना जरूरी है। सर काफी दुखद है कि वो पता चला बीमार भी पड़ गई, वो कोलैप्स कर गई और क्या कहते हैं फिर उनको, कोलैप्स नहीं कर गई, थोड़ा वो जैसे रात में उन्होंने मेहनत किया वजन कम करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा हल्का फुल्का डिहाइड्रेशन का वो हुआ, वही वो एकदम फिट हैं और आराम कर रही हैं वो विलेज में। सर लेकिन अभी जैसे आप सब जानते हैं देश के, वो क्या मैसेज देना चाहिए कि देश में जश्न का माहौल था कि एक और मेडल आ गया, सिल्वर आ गया, कम से कम सिल्वर अश्योर हो गया, गोल्ड भी आ जाएगा, देश को एकदम जश्न का माहौल था और अब देश में बिल्कुल दुख का माहौल छाया हुआ है, पूरे देश में सिर्फ यही बात हो रही है अभी, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद है हमारे देश के लिए कि कुश्ती में महिलाओं का पहला अगर सिल्वर आ जाता वो भी महिलाओं का पहला मेडल होता और गोल्ड आ जाता वो भी महिलाओं का पहला मेडल, क्योंकि और इस बीच TMC के सांसद हैं पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है इस पर, सुनिए जरा। यूसुफ पठान है, यूसुफ भाई जिस तरीके से विनेश है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया। अब उसमें भी यहाँ बैठ के तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत ही दुखद बात है कि वो डिस्क्वालीफाई हुए, तो कोशिश करनी चाहिए कि क्या रीज़न है उसके पीछे का जो रीज़न है वो पता करना चाहिए। लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते ऐसे मौकाम पे आकर के जहाँ पर भी बहुत दुख की बात है कि एक खिलाड़ी होने के नाते इतने बड़े मोमेंट में जब हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल आ रहा है वहाँ पर ये चीज़ हुई है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसके पीछे का क्या रीज़न है उसको जांचना चाहिए, और जो भी रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से अगर कोई एक खिलाड़ी खेलता है जब खेल के पहले उसे शुरुआत करता है उस हिसाब से जो भी मेजर मैच होते हैं उसके बाद सडनली मैच के बाद वो चेंज हो जाते हैं, तो उसके पीछे की जो भी कहानी है उसको पता करनी चाहिए। साफ तौर पर यूसुफ पठान का कहना है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका तो ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर एक खिलाड़ी के तौर पर दिल तो जरूर दुखता है जब ऐसी कोई घटना सामने आती है। अंकित गुप्ता, IBP न्यूज़, दिल्ली। तो देखिए जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और इस बीच सीधे रुख करते हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विजय लोकपल्ली। सर जरा उनसे मुझे लगता है ये बात करनी चाहिए सर आपसे, वो जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे वो जिस तरीके के बयान दे रहे थे, मतलब भाग्य में मेडल नहीं था, हा? और जो जिम्मेदारी और पल्ला झाड़ने की वो कोशिश कर रहे थे कि साहब देखिए भारत सरकार ने तो कोच हो न्यूट्रिशनिस्ट हो वो सब उनके हिसाब से उनको दे दिया था, तो वही लोग बताएंगे कि क्या हुआ है, हमारा कोई लेना देना नहीं, मतलब कहा नहीं उन्होंने, लेकिन लबोलबाब यही कि फेडरेशन का कोई लेना देना नहीं। ये किस तरीके की प्रतिक्रिया थी सर?
पर वो अभी देखेंगे कि क्या करना हाँ, है देखेंगे अभी, क्या अभी तक तो आपको डिसाइड कर लेना चाहिए था कि आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट तो करेंगे ना, आप अपील करेंगे, प्रोटेस्ट तो बनता नहीं क्योंकि तो ओवरवेट हो गई है, उसमें आप क्या प्रोटेस्ट करना है, जो आपको करना चाहिए था तब तो आपने किया नहीं। लेकिन ये सारा दोष अगर आखिरी में जाके विनेश के ऊपर आएगा तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यहाँ पे आप कोच हैं या उनके न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इतने सारा जो महकमा वहाँ गया, ये जो आपने कहा ना सारा दोष अगर विनेश पर आएगा तो ये वाकई में बहुत ही निराशाजनक होगा। लेकिन मैं क्यों ना आपसे ये सवाल पूछूं कि ये उसी की पटकथा थी जो एक तरीके से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया वो उन्होंने लिखनी शुरू कर दिया सर, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, उनका अपना कोच है, अपना फिजियो है, अपना न्यूट्रिशनिस्ट है, भारत सरकार ने उन्हें दे दिया था, मतलब वही बताएंगे कि क्या हुआ। ये तो अभी से उन्होंने बाकायदा वो स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू हो गई है जी। और ये देखिए सिर्फ ये क्यों किया जाता है, एक एथलीट किसी कोच से कंफर्टेबल रहता है, उसके समझ में आता है कि ये जो कोच है मुझे अच्छी तरह समझ रहा है, ये मुझे अच्छी तरह ट्रेन कर रहा है। और दिखा भी जिस ढंग से वो दोनों बाउट जीती हैं तो उनके कोच की जो 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 उनका एक्सेप्शनल स्किल है वो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, वहाँ पे उन्होंने दिखाया। अब जो बाकी जो ऑफिशियल्स हैं उनको शायद आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको मालूम था कि भाई वज़न बढ़ रहा है वज़न बढ़ रहा है, लेकिन बॉक्सिंग हो चाहे रेसलिंग हो और भी खेल है वेट लिफ्टिंग हो, उसमें वेट आपको मेनटेन करना बहुत अहम है। और वे इन के टाइम पर आप चूक गए, तो मैंने आपके आप यहाँ पे मैंने पहले भी बोला एक बार कि हमारे खिलाड़ी ऐसे थे उनको उनके कमरे में कोच को सुलाया गया कि इस पर नज़र रखो कि कुछ खा ना ले रात को क्योंकि कल सुबह वेन में वेट ना बढ़ जाए, और वो थोड़ी सी नज़र वो कोच की लगी सो गया ये आदमी, ये उठा खिलाड़ी, फ्रिज खोला, आधा फ्रिज खाली कर दिया और अगले दिन वेन में वेट ज्यादा हो गया। सो विनेश ने ये नहीं किया, वो तो बिचारी अपने आप को पनिश कर रही है, वो तो लगातार इस कोशिश में थी कि किसी तरीके से वो वजन कम कर लेगा, और वो तो इस हद तक पहुंच गई कि इसके बाद उसको बाकायदा जो आईवी फ्लूइड्स हैं वो देने की नौबत आई, उनको मेडिकल क्लिनिक लेकर जाया गया वहां पर गेम्स विलेज के अंदर। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ, विनेश फोगाट को लेकर लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही, गृहमंत्री अमित शाह उनका बयान आया, करोड़ों भारतीयों की उम्मीद को झटका लगा है, ये कह रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह, विनेश जरूर वापसी करेंगी, विनेश को हमारी शुभकामनाएं हैं। तो उम्मीद है विनेश मजबूती से वापसी करेंगी, ये कह रहे हैं अमित शाह, करोड़ों भारतीयों की उम्मीद को ये झटका जरूर है। देखिए वाकई में करोड़ों भारतीय, मेडल तो पक्का कर ही लिया था ना विनेश फोगाट ने, और इसीलिए इस उम्मीद में थे कि दाव गोल्ड पर लगेगा वरना तो सिल्वर आना ही था, पर आज मुकाबला होता उससे पहले ही विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई, और वजह क्या, 50 किलोग्राम वाली कैटेगरी में वो शामिल हो रही थी, लेकिन आज सुबह नियम के मुताबिक जब वजन लिया गया तो उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती है। ऐसे में अब क्या विजय लोकपल्ली सर, सवाल अब यही है कि अब क्या आप उसको, आप विनेश से उम्मीद करते हैं कि आज से 4 साल बाद लॉस एंजलिस में इसी फॉर्म में उतरेंगी, तो वो उनके पास क्या इतना मोटिवेशन होगा कि फिर वापस कुश्ती के मैट पे जाएं, क्योंकि एशिया में तो बहुत नाम है उनका, इतने सारे उन्होंने अवार्ड जीते हुए टाइटल्स जीते हैं, उनकी कलेक्शन में सिर्फ एक जो अवार्ड नहीं था मेडल वो ओलंपिक था, और वो उनको हमेशा अखरेगा, और कितना वो तैयार होके कितना मोटिवेशन रख के आज से 4 साल बाद अमेरिका जाएंगी और कुश्ती लड़ेंगी और मेडल लाएंगी। मेरे ख्याल से अभी 29 साल की उम्र है विनेश फोगाट की, हाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ पर आपको मेंटेन तो करना है ना, वो मोटिवेशन, वो आपका फॉर्म, और 4 साल बाद आपके सामने कौन से कुश्ती के एथलीट आएंगे, वो क्या ऐसे ही होंगे, हालांकि किस उम्र के होंगे और किस उम्र के, हालांकि उन्होंने यहाँ पे 2 बड़े बाउट जीते, उन्होंने दिखा दिया कि वर्ल्ड कुश्ती में वो बहुत ऊपर के स्तर पे हैं, लेकिन ये बहुत कहना मुश्किल होगा कि कितनी स्ट्रांग वापसी होगी, क्योंकि वो टूट चुकी हैं और पता नहीं कब वो चाहेंगी कि वापस रेसलिंग मैट पे वापस आए।
बिल्कुल लोहा मनवाया अपना देश की इस बेटी ने, मनवा दिया बिल्कुल। लेकिन इस समय ये जो तस्वीर है वो कल रात की तस्वीर है। इस तस्वीर में कल एक के बाद एक तीन जीत हासिल करने के बाद, जब देश के लिए गोल्ड पर इसको दाव लगाना था, सिल्वर इसने पक्का कर लिया था, देखिए किस तरीके से निढाल सी टूटी हुई सी नजर आ रही है। और यहाँ पर खा रहे हैं टीएमसी किसान सिद्ध हैं शत्रुघ्न सिन्हा, विनेश फोगाट जिस तरीके से अयोग्य घोषित की गई है उनकी भी प्रतिक्रिया आई है, उनसे हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, जरा वो सुनिए पहले। विनेश फोगाट को लेकर के देश भर की उम्मीदें थीं और अब फिलहाल वो उम्मीदें चकनाचूर होती हुई नजर आ रही, क्योंकि 100 ग्राम वजन बढ़ गया और इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे साथ में। शत्रुघ्न जी, जिस तरीके से विनेश फोगाट को लेकर के देश भर उम्मीद जताए हुए था, लेकिन अब वो उम्मीदें फिलहाल एक बहुत बड़ा झटका लगा है। नहीं, वो तो झटका हम सबों को लगा है, ये तो सब लगता है जैसे कुछ लोग लकीर का फकीर बनकर इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। 100 ग्राम क्या होता है, ये तो पीटी उषा की याद दिला दी जब 400 मीटर के रेस में वो 1/100 सेकंड से जी वो चौथी रह गई थी, उनको वो तगमा नहीं मिला था, उनको ब्रॉन्ज नहीं मिला था। तो अभी मुझे याद दिला पड़ रहा है कि वो भी एक टेक्निकलिटी का मामला दिखता है जी। और आज जिस तरह से हमारे देश की बेटी, देश का गौरव, देश की अपनी हमारे हरियाणा का हरियाणा धरती पुत्र पुत्री, आज उसकी जब घड़ी आई है, पहली बार कोई लड़की जो है महिला पहलवान पहली बार फाइनल तक पहुंची है जी। और इस तरह पहुंचने के बाद आज जब हम लोग दुनिया देखना चाह रही थी और हम सब व्याकुल थे, हम सब आज देखना चाह रहे थे कि आज फाइनल में किस तरह पछाड़ती हैं और किस तरह विश्व चैंपियन बनती हैं वो। प्रधानमंत्री ने चाहे पीएमओ को, लोगों ने चिंता जाहिर की है जी। हम सराहना करते हैं और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री की बातों पे भी ओलंपिक एसोसिएशन और ख़ासकर हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इस बात को ज़ोर शोर से आगे बढ़ाएगा और हमें कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे विनेश फोगाट जो हैं एकदम नज़दीक, एकदम जीत के कगार पे आकर, विश्व चैंपियन बनने के कगार पे आके कहीं पीछे रह जाए। तो ये प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, कुल मिलाकर खबर इस वक्त बड़ी यही है कि ओलंपिक्स में अयोग्य विनेश फोगाट को घोषित कर दिया गया है, विनेश आउट। लेकिन अब जो सवाल खड़ा हो गया है वो साजिश को लेकर है, साजिश का डाउट। ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दी गई है विनेश फोगाट और इस पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, हमें पूरा भरोसा है वो अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। तो ये राहुल गांधी का बयान आप देख रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पूरा देश जो है वो मजबूती से देश की बेटी के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिस न्याय की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज करेगा, देश की बेटी को न्याय दिलाएगा, विजय लोकपल्ली सर, मेरे ख्याल से गेम और गेम के रूल्स के हिसाब से तो अब उसकी गुंजाइश ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। रूल्स को आप कैसे चैलेंज करेंगे वहाँ पे जाके, सबसे बड़ा स्टेज है ओलंपिक्स और आप वो हम जो कंटिंजेंट गया है, जो शेफ डेमिशो है, पीटी उषा है, उनको भी मालूम है कि रूल ब्रेक हो गया, आप ओवरवेट हैं, आप डिस्क्वालीफाई किए गए हैं रूल के हिसाब से। अब आप अपील कीजिए, आपको लगता है कि नहीं कोई वहाँ पे विलेज में उनके साथ कॉन्स्पिरेसी हुई है कि उनका वजन बढ़ जाए, अब वो हम और आप तो नहीं जानते यहाँ बैठ के, वहाँ पे वो तहकीकात करेंगे तो मालूम पड़ेगा। लेकिन इस वक्त आप ये मान लीजिए कि विनेश का ओलंपिक का जो सफ़र था वो आज ख़त्म हो गया। ये बड़ी बात है, विनेश का ओलंपिक का सफ़र ख़त्म और वो भी इस तरीके से ख़त्म हुआ है कि देश की जो उम्मीदें हैं वो न सिर्फ टूटी हैं बल्कि देश का दिल टूटा है, क्योंकि मुकाबला खेलने की तो नौबत ही नहीं आई ना। विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया, 50 किलो कैटेगरी जिसमें वो पार्टिसिपेट करती हैं, 50 किलो से उनका वज़न 100 ग्राम ज़्यादा था और इसी वजह से, नियम की वजह से उनको ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया।